हेलो फ्रेंड, नीलम फूड ब्लॉग में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो फ्रेंड, यहाँ मैंने बना लिया है ये पोहा। ये बहुत ही हेल्दी होता है और ये टेस्टी भी, खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। चलिए ये कैसे बनाया मैंने देखते हैं वीडियो में। यहाँ हमने 5 कप पोहा ले लिया है। इसके लिए ये मैंने मोटा पोहा लिया है, ये देखिए, पतला पोहा नहीं लिया मैंने। और ये है हल्दी पाउडर, साबुत जीरा और 1 नींबू लिया है। और 1 बड़ी प्याज को फ्रेंड मैंने रफली कट कर लिया है, ये देखिए। और यहाँ 8 हरी मिर्च को भी बारीक कट कर लिया है। और ये हैं 15 पत्ते, करी पत्ते हैं, फ्रेश एकदम। और 1 चम्मच चीनी ली है इसके लिए और नमक। और ये लिए हमने हींग। और यहाँ फ्रेंड 2 टमाटर हमने मीडियम आकार के कट कर लिए हैं, ना ज़्यादा मोटे ना ज़्यादा बारीक। और ये हैं हमारे मूंगफली के दाने, 1 बड़ी चम्मच मूंगफली के दाने ले लिए। और ये है 1.5 चम्मच सरसों के दाने। चलिए बनाते हैं पोहा। सबसे पहले फ्रेंड हम पोहा को धो लेंगे, इसे चिवड़ा भी बोलते हैं कहीं कहीं। इसे हम डायरेक्ट टंकी के नीचे ही धो लेते हैं, आप चाहें तो किसी बर्तन से भी धो सकते हैं। ये देखिए, इसकी जो डस्ट वगैरह है वो निकल जाएगी। इसे अच्छे से धो लेते हैं और इसे हम रख देते हैं साइड में। और यहाँ हमने गैस पर रख दी है कढ़ाई और गैस कर दी है ऑन। और इसमें डाल दिया है 2 बड़े चम्मच ऑयल और इसे हम गर्म होने देते हैं। गर्म होने के बाद इसमें हम डालेंगे मूंगफली के दाने, ये देखिए। इसे हम थोड़ा सा भून लेंगे फ्रेंड सबसे पहले, क्योंकि भूनने के बाद इन्हें हम निकाल लेंगे, जो इनकी नमी होगी ना वो एकदम ख़त्म हो जाएगी तलने के बाद। ये देखिए, अच्छे से इन्हें तलेंगे, हल्का ब्राउन कलर करेंगे। ये क्रैकल हो जाते हैं, पता लग जाती है कि ये फ्राई हो गए। चलिए, ये हमने निकाल लिए हैं। अब इसमें डाल दिए हमने 1.5 चम्मच सरसों के दाने, मस्टर्ड सीड्स। ये क्रैकल हो रहे हैं फ्रेंड। इसके बाद डाल दिया है हमने 1 चम्मच साबुत जीरा। जीरा फ्रेंड मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपको नहीं अच्छा लगता तो स्किप कर सकते हैं। और 4 चुटकी डाली है हींग। हींग का ज़बरदस्त फ्लेवर आता है फ्रेंड पोहा में। और ये जो हमने प्याज काटी थी फ्रेंड, एक बड़ी वाली प्याज काटी थी, क्योंकि पोहा में तो प्याज अच्छी लगती है। आप चाहें तो थोड़ी सी और ज़्यादा भी काट सकते हैं अगर आपको अच्छी लगती है तो। और इसे हम भून लेंगे। इसे हमें ज़्यादा नहीं भूनना फ्रेंड, जो इसमें पानी होता है ना प्याज में, बस वही ख़त्म करना है हमें भून करके। ये देखिए, चलाते हुए हाई फ्लेम पर ही कर रहे हैं। और ये इसका पानी ख़त्म हो चुका है थोड़ा, अभी बाकी है थोड़ा। इसी के साथ ये मिर्च भी भुन जाएगी, ये देखिए। इसका लाइट गुलाबी कलर हो जाएगा प्याज का, ज़्यादा डार्क नहीं करना हमें, बस इसका जो पानी है वही ख़त्म करना है, तो गुलाबी कलर आ जाता है उतने में। और अब डाल देंगे हम इसमें करी पत्ता, और थोड़े से 1-2 मैंने करी पत्ते बचा लिए हैं गार्निशिंग के लिए। और ये भी इसके साथ फ्राई हो जाएंगे, देखिए। चलाते हुए इसे बराबर से हम भून लेंगे प्याज को। वीडियो को फ्रेंड लास्ट तक जरूर देखें। ये देखिए, प्याज एकदम भुन चुकी है, पानी एकदम ख़त्म हो गया है इसका, प्याज का। अब इसमें डालेंगे हम 2 टमाटर जो हमने काटे थे, और इन्हें हम घुलने वाले टमाटर नहीं करेंगे फ्रेंड, एकदम जैसे एकदम घुल जाते हैं, बस इन्हें ऐसे ही रहने देंगे, इसमें खड़े खड़े अच्छे लगते हैं। तो आज 1 चम्मच डाल दिया हमने हल्दी पाउडर, और ये है 1 चम्मच चीनी। अब डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। और इसे करेंगे फ्रेंड अब मिक्स। देखिए, ये अच्छे से भुन जाएंगे, जो अभी हमने मसाले डाले हैं हल्दी वगैरह, कच्ची नहीं रहेगी। अब इसके बाद जो हमने पोहा सोक किया था वो डाल देंगे, थोड़ा सा
हाथों की हेल्प से इसे मसल देंगे, हल्का सा, हल्के हाथों से ही करेंगे फ्रेंड। ये देखिए, अब इसे अच्छे से जो हमने मसाला तैयार किया था इसमें मिक्स करेंगे। अच्छे से भूनना है 5-10 मिनट। गैस को हमने स्लो कर दिया है एकदम, आप देख रहे हैं भूनते टाइम। चम्मच की हेल्प से अच्छी तरीके से नीचे तक चलाते हुए इसे हम बराबर से मिला लेंगे। देखिए इस तरीके से बराबर से मिल जाते हैं। इस तरीके से करें फ्रेंड, जिससे कि पोहा एकदम खिला खिला बनेगा आपका। ये देखिए, इसमें ज़्यादा प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं है, बस हल्के हाथ से इसे चलाते रहें। इससे क्या होता है फ्रेंड, हमारा जो पोहा है मैशी मैशी नहीं बनेगा, एकदम खिला खिला बनेगा। इसमें मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, मसाले भी अच्छे से भुन गए हैं जब हमने ये पोहा मिक्स किया है, क्योंकि 5-10 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए, अब इसमें डालेंगे हम नींबू का रस। एक नींबू का रस इसमें निचोड़ देंगे, इससे हल्का सा खट्टा खट्टा फ्लेवर आता है फ्रेंड पोहे में, जो बहुत ही मज़ेदार लगता है खाते टाइम। देखिए, अब डालेंगे ये मूंगफली। हमने ये मूंगफली लास्ट में डाली है क्योंकि ये थोड़ी सी करारी करारी रहती हैं, तो खाते टाइम अच्छी लगती हैं। अगर आप इन्हें पहले डाल देंगे तो इनमें मॉइस्चर आ जाएगा, जो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगेगा। नमी पकड़ लेता है मूंगफलियों में नीचे, सबसे पहले डाल देते हैं तो, अगर बाद में डालेंगे तो ये थोड़ी सी करारी रहती हैं, खाते टाइम अच्छी लगती हैं। चलिए, पोहा हमारा बन के तैयार है। ये देखिए, एकदम से खिला खिला बना है। ये देखिए, आप देख रहे हैं एकदम दानेदार पोहा बन करके रेडी है। चलिए, मैं कर देती हूँ सर्व। आप देख रहे हैं ना, मैं चम्मच से भी डाल रही हूँ तो एकदम दानेदार है। अगर आप मेरे टिप्स और ट्रिक्स से बनाएंगे फ्रेंड, तो आपका भी इसी तरीके से पोहा बन करके रेडी होगा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है फ्रेंड, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए, मैंने तो पोहा सर्व कर दिया है, ऊपर लगा दिया है मैंने करी पत्ते थोड़ी गार्निशिंग के लिए, जो बचाई थी मैंने। और आ जाइए, गर्मा गर्म पोहा तैयार है। आप इसे चाहे चाय के साथ खाइए, चाहे आप दही के साथ भी खा सकते हैं, और ये अपने आप में एक पूरी डिश है, आप ऐसे भी खा सकते हैं। बाय बाय फ्रेंड, टेक केयर एंड थैंक यू। मिलती हूँ अगली रेसिपी में।